वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज। सबसे पहले देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज क्या होती है और उसको हम क्रिएट किस तरह करते हैं। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज भी नॉर्मल क्लॉज की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें सिंटैक्स वाइज। ये मैंने कोई क्लॉज ए क्रिएट की, ये तो था कि हमने एक सिंपल क्लॉज क्रिएट कर ली। अगर हम इस क्लॉज को एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम इसके नाम से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देंगे, एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज बन गई है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट अगर में करना है तो हम इस तरह ओबीजे न्यू ए, ये हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी तक हमने जो पढ़ा कि इस तरह करने से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज है, इसका अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आएगी एरर। क्यों? क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इसका मतलब यह है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लॉज बनाते क्यों हैं? क्योंकि हम कोई भी क्लॉज बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए कि हम उसमें मेंबर फंक्शन डिफाइन करें, उसके डेटा मेंबर्स को जो डेटा है उनको मैनिपुलेट करें उसके ऑब्जेक्ट बना के। लेकिन जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते क्यों हैं? इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक स्कूल या कॉलेज का सॉफ्टवेयर, कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। अब उसमें टीचर को भी हमने रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, स्टूडेंट के लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी, और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे हैं उनके लिए भी क्लास बनानी पड़ेगी, एडमिन के लिए भी, और भी बहुत सारे लोग काम करेंगे उनके लिए अलग अलग क्लास बनानी पड़ेगी। मैंने दो तीन यहाँ पर लिखी हैं। अब वो सारे के सारे पर्सन हैं, सारे पर्सन तो हैं ना, इस बात से आप एग्री करते हैं। हर एक का नेम होगा, एज होगी, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, ये चार पांच चीज़ें तो हर में कॉमन होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम कर उसमें भी कॉमन होगी, स्टूडेंट में भी होगी और टीचर में भी होगी, और जितने बाकी सारे हैं पर्सन वहाँ पर काम कर रहे उन सब में ये कॉमन होगी। तो हम क्या करेंगे, एक पर्सन क्लास बनाएंगे जिसमें ये सारा डेटा एक दफ़ा लिख देंगे, सारे मेंबर फंक्शंस, और उसके बाद एडमिन क्लास को एक्सटेंड करेंगे पर्सन से, स्टूडेंट को भी पर्सन से एक्सटेंड कर लेंगे, और टीचर को भी पर्सन से एक्सटेंड कर लेंगे, ये सारी उसकी चाइल्ड क्लासेस बन जाएंगी, और वो सारे मेथड्स को हम इनमें यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड क्लासेस में। लेकिन अब आप सोचें कि जो सिर्फ पर्सन है वो तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता स्कूल या कॉलेज के उस डेटा बेस में, या उस डेटा में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप सिर्फ पर्सन की क्लास बनाएं तो वो किस को रिप्रेजेंट करेगी? वो एडमिन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, स्टूडेंट को कर रही होगी, या टीचर को कर रही होगी? क्योंकि सिर्फ पर्सन तो वहाँ पे कोई नहीं है, हर एक की एक डेजिग्नेशन है, हर एक का एक ओहदा है, हर एक की एक कैटेगरी है। अगर ऐसे में सिर्फ पर्सन क्लास का, जो पर्सन क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे तो वो यूज़लेस होगा, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं, पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ पर्सन जो है। तो ऐसे में हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए कि कोई पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना सके, सिर्फ उसकी जो चाइल्ड क्लासेज उससे क्लास हम एक्सटेंड कर सकें लेकिन उसका ऑब्जेक्ट ना बना सकें। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, पर्सन क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे, और एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूँ कि ये सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ भी समझ आ गया होगा, और इसका सिंटैक्स भी समझ आ गया। सिंटैक्स तो बिल्कुल ईजी है, मेन था इसका यूज़ आपको समझाना। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनमें हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।